आखिरकार पता चल ही गया सोनम गुप्ता क्यों बेवफा थी। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं फिल्मी राज। अभी आते हैं, आज अभी तुरंत में देखा हूँ मूवी आई थी, क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, तो Zee5 पर रिलीज हुई, तो आप जाके वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी मतलब एक मैं कहूँगा मिक्स बैक, मतलब अच्छा था। मैं कहूँगा मतलब एक वीकेंड पे अगर आप कॉमेडी देखना चाहते हैं, अगर उस जो इंसिडेंस जानते हैं 2016 में हुआ था, मतलब कितनी फेमस वो लड़की जो भी थी मुझे नहीं पता, वो हो गई थी, मतलब काफ़ी उसके मतलब रूमर्स उड़ रहे थे कि हाँ नोट्स पे जानते हैं लिख के आ रहा था। तो ये इंसिडेंस काफ़ी मतलब एक बनाई गई है मूवी कॉमेडी, तो इसी बारे में बात करूँगा। बता दीजिए आपको 2 घंटे की, तो आप जाके इन्जॉय कर सकते हैं वीकेंड पर। आप मतलब फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, मतलब मिली जुली मैं कहूँगा मूवी रही, ज़्यादा मतलब शानदार भी नहीं रही, मैं थोड़ा थोड़ा कहीं पर मतलब भूल उनसे हुई है तो बताऊँगा मैं। इसमें आते हैं क्या कि ये सुरेखा सिकरी जी की लास्ट मूवी थी, तो मैं मेरी तरफ से उनको एक बार फिर से श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। काफ़ी शानदार मतलब एक अच्छी दमदमदार एक्टर थी वो। तो ये था, तो जैसे जानते हैं कि ये क्या बरेली की मतलब स्टोरी दिखाई गई यूपी की, तो कहानी कैसे चलती ये है। जस्सी गिल इसमें है, वो सिंटू का रोल प्ले की है, और जो सुरभि हैं वो सोनम का रोल प्ले की हैं, सुरभि ज्योति। तो काफ़ी मतलब मिक्स बैक था, तो और मतलब कई सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं इसमें, कई लोगों का कैमियो भी है उसके। मतलब जो मतलब चिंटू के जो फादर बने हुए हैं वो अतुल श्रीवास्तव हैं, और जो मतलब सोनम के मतलब फादर बने हुए हैं वो विजेंद्र काला हैं, उनकी मम्मी के जो रोल प्ले की हैं नील कोहली हैं, और मतलब कई सपोर्टिंग एक्टर हैं। तो मैं बात कर लूँ स्टोरी जानते हैं, ऐसे मतलब जितनी फेमस स्टोरी थी तो स्टोरी ठीक ठाक है, तो स्टोरी मतलब तो जो मुद्दा है वो तो सही है ये इसकी रही। एक्टिंग की बात करूँ तो मैं एक्टिंग मुझे काफ़ी मतलब शानदार लगी कई लोगों की, कहीं कहीं पर थोड़ी सी क्या है जैसे जस्सी गिल की वहाँ पे जो जहाँ पे इमोशनल सीन्स थे, तो वो उतना मतलब अच्छे से रोल को निभा नहीं पाए हैं, और मतलब दमदार थे। वैसे ऐसे जानते हैं मतलब एक मिडिल क्लास की कहानी दिखाई गई है, एक लोकल मतलब जानते हैं यूपी कहानी, वहाँ पे लैंग्वेज है, तो थोड़ा लैंग्वेज में भी ऐसी चीज़ें थी, तो वैसे मतलब काफ़ी मतलब ध्यान रखा गया ओरिजिनलिटी के लिए। काफ़ी शानदार ये था एक्टिंग, मतलब मैं कहूँगा दमदार थी, अच्छी थी। बीच बीच में कॉमेडी भी दिखाई देती कई चीज़ें, कॉमेडी थोड़ा वो अच्छा काम किया, मतलब कॉमेडी जो दिखाने की कोशिश जिस हिसाब से मूवी मतलब वो बनाना चाहते थे डायरेक्टर, वो अच्छा काम किए हैं। और क्या बात कर लूँ कि स्क्रिप्ट मुझे थोड़ा सा कहीं मतलब भटक गई, मुझे अच्छी नहीं लगती स्क्रिप्ट की बात करूँ मैं। जैसे क्या जानते हैं कहानी दिखाने का आप थोड़ा छोटी करके दमदार मतलब एक सदी हुई कहानी बना सकते थे, लेकिन क्या वो कई चक्कर में कई कहानियाँ चलाते हैं, मतलब दिखाते हैं कि वो जैसे मतलब ऐसे, मैं स्पॉयलर नहीं करना चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ, आप खुद मूवी देखिए तो आपको लगेगा पता चल जाएगा मतलब क्यों सोनम गुप्ता बेवफा थे, क्या रीजंस थे। तो काफ़ी शानदार ये दमदार रहा, तो ये था थोड़ा स्क्रिप्ट मतलब वो बांधे नहीं आपको रखती है। कहीं कहीं लगता है जैसे स्टार्टिंग में ज़्यादा वो टाइम ले लिए एक्सप्लेन करने का, बाद में फिर चीज़ें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दिखाते हैं, वो डिटेल दिखाते नहीं है कि वो क्यों मतलब बाहर जाती है, कैसे क्या होती है, इसकी शादी क्यों टूटती है, कई रीजन से थी ये। तो डायरेक्शन की बात करूँ तो वही थोड़ा सा मतलब वो ट्रैक से भटक गए अपने हैं, जो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं वो मतलब सही से वो नहीं कर पाए हैं, दिखा नहीं पाए हैं वो। अगर चाहते थोड़ा लेंथ कम करके तो वो और शानदार बना सकते थे। म्यूजिक में कहूँगा वो भी मिक्स बैग था मुझे, मेरे लिए क्या था कुछ गाने एक दो हैं तो वो अच्छे लगते हैं, बाकी जानते हैं ऐसे थोड़ा देसी स्टाइल में दिखाया गया मतलब ऐसे यूपी कहानी, तो वो इस हिसाब से ठीक था। म्यूजिक मतलब गाने उतने अच्छे नहीं मतलब थे, एक दो गाने ठीक लेकिन म्यूजिक सही था। अब बात करूँ मैं कि क्या निगेटिव चीज़ें मुझे लगी, तो जानते हैं निगेटिव थोड़ी ये लगी कि वैसे बता दीजिए आपको मतलब थोड़ा स्क्रिप्ट भटक गई, मतलब भटक गए डायरेक्शन में, वो मतलब सही से वो मतलब दिखा नहीं पाए, डायरेक्शन कर नहीं पाए हैं वो, जैसे चीज़ें स्टार्टिंग तो मतलब सही चलती हैं, मतलब थोड़ा टाइम ले लिए वो डिटेल से दिखाते, फिर बाद में वो मतलब डिटेलनेस इसमें नहीं रहती, कैसे होती है वो रीजंस पता नहीं चलता, बस आप देखते जाइए, वो थोड़ा भटकाव मतलब इसमें था। और थोड़ी सी लंबी मैं कह सकता हूँ, मतलब ज़्यादा वैसे कुछ नहीं लगती, लेकिन थोड़ा सा लंबी अगर वो घटा के मतलब जैसे 2 घंटे की है तो 2 घंटे या उससे थोड़ा कम करते तो काफ़ी तभी दमदार बना सकते थे वो, लेकिन थोड़ा वो भटक गए वहाँ पर ये चीज़ें थी। और वही कई मुद्दे मतलब पॉजिटिव ये भी कहूँगा, मतलब कुछ मुद्दा भी दिखाया मतलब सही दिखाया है कि अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखना, तो ये चीज़ें अच्छी थी। वैसे आसाती भी है तो कहीं कहीं इमोशनल भी करती, कई रीज़न मतलब कई चीज़ें दिखाया गया, कई रीजन रहते हैं तो ये है कि हमें फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए, हमें कुछ गलतियाँ भी नहीं करनी चाहिए, मतलब जैसे उसकी मतलब जो जस्सी गिल की मतलब सिंटू की मतलब माता है तो वो करती हैं कुछ गलतियाँ, तो कई चीज़ दिखने मतलब आपको मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग मतलब मुद्दे पे जो भी मेरी मूवी आती है, मैं सॉरी मूवी कह रहा हूँ, मूवीज़ का मतलब जो रिव्यू मेरा आता रहता है तो आप देख सकें, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, शॉर्ट मूवीज़ की, और जो लेटेस्ट मेरे सॉन्ग आते हैं उसका रिएक्शन आता है। तो आप अगर इस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मुझे और अच्छा लगता, ताकि मेरा और मतलब फ्यूचर में आपके लिए दमदार मतलब अच्छे टॉपिक्स म्यूज़िक के ऊपर और जो मूवीज़ के ऊपर ऐसे वीडियो लाता रहूँ। तो जहाँ तक गाइडलाइन की बात है, तो पेरेंटल गाइडलाइन की बात है, तो थोड़े से मतलब जानते हैं ऐसे लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, कुछ थोड़ा गाली गलौज है तो मतलब वो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप पूरा फैमिली के साथ देख सकते हैं, एक मतलब इंजॉयबल है, एक बार देख सकते हैं इसको अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे। तो यही था आज का रिव्यू, आशा करता हूँ रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए,
जहाँ तक स्टार की बात है तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार दूंगा। एक मतलब इंटरटेनिंग अच्छी थी, मतलब जैसे एक सबकी उत्सुकता थी कि मतलब सोनम गुप्ता की वफा थी, तो इसमें जानते हैं एज ए मतलब मूवी है तो चेंज करके उसके रीजन क्या था नहीं पता, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे दिखाया गया तो ठीक ही था। तो यही था इसका रिव्यू, बाकी ऐसे ही आप देखते रहिए अच्छी मूवीज, अच्छे सॉन्ग सुनते रहिए। बाकी मिलते किसी नए दिन के साथ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।